ये सेल्स किसी एक टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होते हमारी थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन टू द इवन रिप्रोडक्टिव पार्ट तो यहाँ पर क्वेश्चन अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट की टेस्टिस में तो टेस्टिस में एक तरीके का सेल जो काम करता है सस्टेंटिकुलर सेल्स दीज आर सर्टोली सेल्स और मेन फंक्शन जो सर्टोली सेल का होता है दैट इज टू प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन टू द यंग और द इमच्योर स्पर्म सेल तो पहला काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है इनका एंड ये काम करते हैं अंडर द इन दिफरस टिब्यूल तो सेमिनिफेर तो में एक जर्मिनल लेयर होगी जिससे स्पम बनेंगे दूसरी लेयर होती है जो न्यूट्रिशन का काम करती है जहां सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सर्टोली सेल्स ऑप्शन टू इट इज रिलेटेड विद न्यूट्रिशन ऑफ स्पम्स सही है इट फॉर्म्स द ब्लड टेस्टिस बैरियर ये भी सही है कि डायरेक्ट ब्लड का इनकाउंटर नहीं होने देती विद दी स्पम सेल्स उनको प्रोटेक्ट करके रखती है सी इज इट फॉर्म टेस्टोस्टेरॉन फ्रॉम ईस्ट्रोजन तो ये गलत है क्योंकि ये फंक्शन हार्मोन के स्टेरॉइड हार्मोन का कन्वर्जन ये फंक्शन नहीं होता सिस्टेंटिक्यूलर से सेल्स का तो जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर फोर क्लास एक्स से ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करे डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ सौ पर